हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बूस्ट स्टेशन वी इन्फॉर्म बेटर। तो आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन कुछ कैंडिडेट ने कहा है कि सर बना दीजिए वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम सही तरीके से नॉलेज गेन कर पाएंगे और पॉइंट टू पॉइंट हम लोग उसको भर पाएंगे। क्योंकि जैसी गलती उन्होंने पहले की है, यानी कि बैंक की मैंडेट फॉर्म में उन्होंने कैंसिल चेक को अपलोड नहीं किया, या तो कैंसिल चेक अपलोड कर दिया, बैंक की मैंडेट फॉर्म ने अपलोड किया, सो इस प्रकार की जो गलती उन्होंने की है बिन देखे या बिन कह सकते हैं उसको बिना नॉलेज के, तो इस प्रकार की गलती वो इसलिए इसमें नहीं करना चाहते। ठीक है, काफी लोग कंफ्यूज थे, काफी लोग ने मुझे मैसेज किया, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था 3 दिन पहले। सो उस 3 दिन वाली वीडियो मैंने बताया था कि आपको अपना रेटिफिकेशन कैसे करवाना है, यानी कि ऑनलाइन जो आपका अटेंडेंस है वो आपको कैसे लगवाना है। अगर आप ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगवाएंगे सो आपका स्टाइपेंड नहीं आएगा, ये फैक्ट है। और इसका मैं अभी सबूत आपको दूंगा इसी वीडियो में। इस वीडियो में एक मेल आपको दिखाने वाला हूँ, या फिर मेल पढ़ के भी बता दूंगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये इस बात का सबूत है। अगर आपका प्रेजेंटी वहां पर नहीं लगी हुई ऑनलाइन पोर्टल में सो आपका स्टाइपेंड नहीं आएगा, 1 महीने का कैंसिल हो जाएगा। ये बात मैं पहले ही बता चुका था जब मैंने पहले आपको बताया था कि आपका जो स्टाइपेंड है वो कट जाएगा अगर आप ये हरकतें करेंगे। सो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लेना अच्छी तरीके से। उस वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। और पिछली जो 3 दिन वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया हुआ कि आपको कैसे ऑनलाइन अटेंडेंस को लगवाना है, कैसे रेटिफिकेशन आपको अप्रूव्ड कराना है अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको वहां पर स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा, और इसका प्रूफ मैं भी आपको दे दूंगा। ठीक है, सो ये वीडियो जो होने वाली है वो इस बात पर बेस्ड होने वाली है कि आपको गूगल एक फॉर्म मिला होगा। सो गूगल फॉर्म किसके लिए? आपका आईडी के लिए। आईडी का मतलब ये नहीं होता आपका कि आप उसे पहन के गले में डालकर यहां से वहां घूमेंगे और इससे आपको पता चलेगा कि हाँ आप एचपीसीएल के अप्रेंटिस है, ऐसा नहीं है। उस आईडी का एक काम होता है कि आपका जो ऑनलाइन पोर्टल से अभी आप जो काम कर रहे हैं वो आपका बंद हो जाएगा, फिर आपका जो कार्ड होगा उसके द्वारा एक मशीन है उस पर आप पंच जैसे ही करेंगे, जैसे कि आप 9 बजे आए तो आपने पंच कर दिया, तो वो मशीन ये दिखा देगी कि ये जो लड़का है यानी कि ये जो कैंडिडेट है वो 9 बजे आया हुआ था। और जैसे ही आप 5 बजे या 6 बजे जो भी आपका टाइम है छूटने का, जैसे ही आप उसे पंच करेंगे मशीन पे, तो वो ये बता देगा कि ये बंदा 9 बजे आया हुआ था, इतने बजे गया हुआ है, सो ये प्रेजेंट रहा है आपका। तो इस प्रकार से जो प्रेजेंटी होगी आपकी अगले बार से वो कार्ड के माध्यम से होगी और मशीन के द्वारा होगी, वहां पर आपको पोर्टल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पोर्टल की जरूरत तब आपको पड़ेगी जब आप कभी लेट आ जाएंगे। सपोज दैट आपका ऑफिस 9 बजे चालू होता है और वो मशीन ऐसी है कि आपको 9 बजे ही प्रेजेंट होना है वहां पे, अगर 1 भी मिनट आप लेट हो गए तो एब्सेंटी लगा देता है। सो अगर आप लेट हो गए सो आप ऑफिस तो आ गए हैं, आप प्रेजेंट है, मशीन आपका दिखा नहीं रही है कि आप प्रेजेंट नहीं है, आप एब्सेंट दिखा रही है। सो इस केस में आप मैनुअली मोड में जाके एक जो अप्रूवल अभी तक आप भेजते चले आए हैं वही अप्रूवल आप मैनुअल मोड से अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेज देंगे। सो वहां पे आपका जो एब्सेंटी लगा हुआ था वो प्रेजेंटी में बदल जाएगा। सो यहाँ पर उस पोर्टल का यहाँ पे काम इतना ही रह जाता है बाकी बस। ठीक है, कार्ड सारे काम करता है। अभी आपके पास कार्ड नहीं है सो क्या करेंगे वो लोग, पोर्टल पे ही करेंगे सब कुछ जो भी करना होगा। और उस पोर्टल को कैसे ऑपरेट करना है अगर आपने नहीं सीखा है प्लीज वो वीडियो जाके देख लेना। उस पोर्टल में A to Z सारे ऑप्शन को मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि आपका है क्या बेसिकली। ठीक है, तो चलिए अभी मैं बात कर लेता हूँ उस गूगल फॉर्म की। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि आईडी कार्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्टिंग फॉर्म, यानी कि आईडी कार्ड को बनाने के लिए आपका जो फॉर्म है वो कलेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब सबसे पहले आता है कि जीएटी और टीएटी आईडी। सो आपको जीएटी और टीएटी आईडी आपको मिल चुका होगा, लॉग इन आईडी आपका पासवर्ड है ना, वहां पे आपको कुछ नंबर्स देखने को मिले थे वही आपका जीएटी और टीएटी आईडी है। ठीक है, अब अप्रेंटिसशिप टाइप आपका जीएटी और टीएटी है, टीएटी तो वैसे यहाँ पे हायर नहीं होते, आपका जीएटी होगा सो आप यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, जीएटी में क्लिक, आपका नेम आएगा, आप नेम लिख दीजिएगा जो आपने नेम लिखा होगा। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग आएंगे पोस्टिंग लोकेशन की तरफ। तो पोस्टिंग लोकेशन में आप अपना पूरा पता डालिएगा जो भी आपको पोस्टिंग लोकेशन में है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो आपको अवॉर्ड लेटर मिला होगा ना वही आप कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दीजिएगा, सो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद आपका मोबाइल नंबर आता है वो आप लिख दीजिएगा। देन इसके बाद एड्रेस आता है, परमानेंट एड्रेस मतलब जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है, रेसिडेंशियल एड्रेस है वो आप डाल दीजिएगा उसमें। ठीक है, तो ये एड्रेस इस बात को होता है, यहाँ पर स्पेशल का एड्रेस नहीं डालना, अपना रेसिडेंशियल एड्रेस डालना है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। सो ब्लड ग्रुप आपका 1 घंटे में जांच हो जाती है, मेरे पास भी नहीं था ब्लड ग्रुप मेरा क्या है। सो आपको क्या करना है, कहीं पे भी आपका बगल में पैथोलॉजी वगैरह होगी अगर आपने नहीं करवाया है तो, सो वहां जाइए, 75 रुपीज से 80 रुपीज में आपका ब्लड ग्रुप का चेकअप हो जाता है। ठीक है, तुरंत मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो यहाँ पे भर दीजिए। लेकिन ब्लड ग्रुप आपका पूरा जचा होना चाहिए, मतलब पूरी तरीके से वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने मतलब कुछ भी डाल दिया उसमें, या तो ओ पॉजिटिव डाल दिया या तो ए बी पॉजिटिव कुछ भी डाल दिया, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अच्छी तरीके से जाइए, चेकअप अपना करवाइए, देन उसके बाद जो भी आपका ब्लड ग्रुप हो वहां पे यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, देन उसके बाद अपना साइन सिग्नेचर जो भी होता है आपका वो अपलोड कर दीजिए यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में,
और इसके बाद अपना फोटोग्राफ है वो अपलोड कर दीजिए। ये फोटोग्राफ और यही साइन आपका जो कार्ड आएगा ना उसमें वैलिड होगा यहाँ पे, मतलब वही आपका यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद आप क्या कीजिएगा, आपका जो साइन होगा वो भी आपका फोटो के नीचे वहां पे होगा और आपका जीएटी जो नंबर होगा वो भी आपको शो हो रहा होगा वहां पर, ठीक है। सो अच्छा सा एक फोटोग्राफ जो भी एचडी क्वालिटी का हो वो आप यहाँ पे दे दीजिए। और जैसे ही आप इस फॉर्म को भर लेंगे अच्छी तरीके से, और इस फॉर्म को भरने के बाद आप नीचे सबमिट का बटन देख पा रहे होंगे वो आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था लेकिन कुछ स्टूडेंट के कहने पर ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इस पर इधर पे मैं कुछ क्वेश्चन भी बता देना चाहता हूँ आप लोग को। सर ये मेल मुझे नहीं आया अभी तक, इसके पहले जितने ही मेल आए थे वो मेरे पास है बट ये वाला मेल नहीं है। सो देखिए सब जगह अलग अलग काम हो रहा है, मतलब पूरे इंडिया में कहीं पे भी एक जैसा काम नहीं हो रहा है, हर सबके मेल अलग अलग है। तो हो सकता है आपके एरिया में मेल आ गया हो आपको ये वाला, ठीक है, गूगल फॉर्म वाला, लेकिन दूसरे एरिया में अभी नहीं आया होगा। सो हो सकता है कि वो लोग थोड़ी देर बाद भेजे, तो थोड़ा वेट कर लीजिए आप लोग, लेकिन इस वीडियो को देख लेना आप अच्छी तरीके से, तो उस फॉर्म को अच्छी तरह से भर पाएंगे, ठीक है। सो वो फॉर्म आपका आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबको मिलेगा फॉर्म। अब यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पे लिख रखा है कि सुमित भैया कार्ड कितने दिनों में आता है। देखिए ये कोई फिक्स नहीं है कि कार्ड कितने दिनों में आता है, हो सकता है कि आपका एक महीने में आ जाए, हो सकता है दो महीने में आ जाए, ये एचपी सीएलई जानती है। पिछली बार जो कोरोना था यानी कि मैंने जो फरवरी में ज्वाइन किया था, सो मेरा दिसंबर में कार्ड मिला था, ठीक है, जनवरी मेरी एग्जिट थी वहां से, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा धीरज बना कर रखिए, कार्ड आपका आ जाएगा और कार्ड अच्छा दिखता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपका कार्ड आ जाएगा। अब ये डिपेंड करता है स्पेशल के को दो महीने में देती है, तीन महीने में देती है या फिर चार महीने में देती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक महीने में दे देना चाहिए, वैसे ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बार, क्योंकि कोविड तो है नहीं, लेकिन आ जाएगा आपका कार्ड, ठीक है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि एड्रेस पे आता है या ऑफिस से मिलेगा। देखिए ऑफिस से ही आपको मिलेगा, एड्रेस पे कभी एचपीसीएल अपना कार्ड नहीं भेजता। ऑफिस में जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो आपको कार्ड दे देंगे, ऐसे घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। वो सिंपली आपको अपने कैबिन में बुलाएंगे, आपको कार्ड दे देंगे, सिंपली आपको कार्ड पंच करना है अपनी मशीन में, ठीक है, और दो बार पंच करना होता है, जैसे आप एंट्री करेंगे तो पंच करना होता है, जैसे आप एग्जिट करेंगे तो भी पंच करना होता है, और उस मशीन को आप अपने जो भी यहाँ पे भी आप काम कर रहे हो उस मशीन को आप देख सकते हैं वहां पर। अब यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ, जिसको मैं बहुत पहले दिनों से चिल्ला के बोल रहा हूँ कि आपको एक मई यानी कि हर महीने की एक या दो तारीख को अपडेट करते रहना है अपना रेटिफिकेशन, ठीक है। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है मेरा, तीन दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसको प्लीज देख लीजिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, नहीं तो आप फिर से कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे, सर मैं अगर देख लेता वीडियो तो अच्छा होता, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं था कि आपने वीडियो बना के डाल दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ, आपकी दिक्कत होती है, आप देखते नहीं है, प्लीज देख लीजिए उस वीडियो को, ठीक है। और उसके पहले ही जो मैंने बात किया था कि आपको कुछ ऐसी गलतियां नहीं करनी है कि आपका जो स्टाइपेंड है वो कट जाए, अगर वो वीडियो भी नहीं देखी है तो वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग को कि आप हर महीने की जो एक तारीख या दो तारीख को अपना रेटिफिकेशन नहीं भेजेंगे, अप्रूव नहीं करवाएंगे, तो आपको स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसको मैं पहले ही वीडियो में बता चुका था, ठीक। अब इसके बाद इसका प्रूफ मैं अभी आपको दे देता हूँ। यहाँ पे एक मेल आया हुआ है एक कैंडिडेट को, वो ये कहते हैं कि प्लीज इंश्योर दैट द नेसेसिटी लीव स्लैश रेटिफिकेशन फॉर द मंथ ऑफ द अप्रैल इज अप्लाइड एंड अप्रूव बाय योर रिपोर्टिंग ऑफिसर बाय 2nd May 2022। यानी कि आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा एक मई या दो मई तक आपका जो अप्रूव्ड अप्रूवल है वो हो जाना चाहिए रेटिफिकेशन का, ठीक है, आपके लीव का स्लैश आपका जो अटेंडेंस है उसका। या अगर नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे लिख रखा है कि लॉग इन आईडी पासवर्ड हैज ऑलरेडी सेंट टू यू एंड इन केस नेसेसरी एक्शन इज नॉट टेकन। अगर इस पर नेसेसरी आपने टेकन नहीं किया एक्शन को, सो क्या होगा आपके साथ, इट विल लीड इन नॉन पेमेंट ऑफ द स्टाइपेंड सो अकॉर्डिंग टू द सिंसियरिटी ऑफ द एक्टिविटी। मतलब आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी पर सिंसियर रहना है कि आपको रेटिफिकेशन करवाते रहना है हर महीने की, पिछले महीने का जो भी आप अटेंडेंस देंगे वो इस महीने की लास्ट पहले मई या दो मई को आप करा लीजिए, ठीक है, अच्छी तरीके से। इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, और रिपोर्टिंग ऑफिसर को बता के रखिए कि सर मैंने अपना आपको भेज दिया है अप्रूवल, आप अच्छी तरीके से अप्रूव कर दीजिए मेरे रेटिफिकेशन एक या दो मई तक, ठीक है। इसके बाद अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मैंने प्रूफ दिखा दिया है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई साहब आपका स्टाइपेंड नहीं आएगा, और यहाँ पे देखा कॉपी पेस्टिंग द लॉगिन आईडी पासवर्ड विल रिजल्ट इन एरर सो यू आर एडवाइज टू टाइप इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं आपने उसको तो एरर दिखाएगा, आपका खुलेगा नहीं, ठीक है, पेज। ऐसा मैं भी कर रहा था पिछली बार में किसी दूसरे कैंडिडेट के लेके, सो आप मैनुअली टाइप कीजिए उसको अच्छी तरीके से अपने पासवर्ड लॉगिन आईडी पासवर्ड को, तो आपका खुल जाएगा। ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे कैंडिडेट के, हमारा सर खुल नहीं रहा है, तो उसका यही मतलब होगा वो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे, एक तो ये मतलब हो गया। अगर साइट नहीं चल रही है आपकी, सो क्या कीजिए आपके भाई साहब वो मेंटेनेंस में साइट चली गई है, ऐसा समझ लीजिए। और दो तरीके मैंने बताए हैं आपको रेटिफिकेशन अप्रूव कराने के लिए, आपको जो तरीका पसंद आता है आप वो कर लीजिए, ठीक है। और उन तरीकों के विषय में अगर आप नहीं जानते कि मैंने वो तरीके कौन से बताए हैं, तो तीन दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको देख लेना, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं ताकि आपसे गलती ना हो जाए, और इस वीडियो का सेम मतलब यही था
कि मैं आपको ये वाली भी इन्फॉर्मेशन दे पाऊं और जो गूगल फॉर्म की है वो भी दे पाऊं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मैं इस तरीके की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूंगा, क्योंकि छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने छोटी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर दिया सो क्या हो सकता है, आपके साथ कुछ कह नहीं सकते। और एक कमेंट मुझे देखने के लिए मिला था कि जो अप्रेंटिस होते हैं बेवकूफ नहीं होते हैं, ऐसा कुछ उसने लिखा हुआ था। सो ये बात बता दीजिए, अगर आप मतलब अप्रेंटिस हैं, अगर आप बेवकूफ नहीं है तो प्लीज वीडियो को मत देखिए मेरी। आप अपना जो भी अपना दिमाग है, मतलब जो भी आप सोच रहे हैं अच्छी तरीके से, वो आप अच्छी तरीके से करिए, ठीक है। ये उनके लिए वीडियो मैंने बनाई है जो सही से अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते या उनसे कोई गलती हो जाती है, ठीक है। मैं ये जानता हूं कि अगर कोई भी जो आदमी होता है, अगर वो कितना भी ज्यादा दिमाग वाला हो, वो कभी ना कभी गलती कर देता है, ठीक है। और छोटी छोटी गलतियां ही, क्योंकि आदमी ये सोचता है यार मैं छोटी गलतियां तो कर ही नहीं सकता, लेकिन उससे छोटी गलती हो जाती है। और ये एक्सपीरियंस से कह रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कह रहा हूं, चाहे उठा के देख लेना किसी भी महापुरुष का, क्योंकि उसने कभी ना कभी कोई छोटी छोटी गलती की होगी और छोटी गलती से हम लोग सीखते हैं, ठीक है। सो आप प्लीज मत देखिए अगर जो ये कह रहे हैं कि मतलब कि मैं छोटी बात पे आप वीडियो क्यों बना रहे हैं कि हम लोग तो बहुत ही मतलब मजेदार वाले हैं, दिमाग वाले हैं, तो ऐसा मत कीजिए। आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो मत देखिए अगर आपको लगता है, और जिनको ये लगता है कि वीडियो देखनी चाहिए तो वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और इसी चैनल से आप अच्छी तरीके से बढ़े हैं, आगे आपको अप्रेंटिसशिप में जॉब मिली है और आप इसी के बारे में निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं ये पहली बात तो निगेटिव कमेंट पर इतना ध्यान नहीं देता मैं, और ना ही मुझे कुछ फर्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये एक चैनल है, ठीक है, निगेटिविटी से बिल्कुल दूर है। अभी तक ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ इसमें। और जो भी कैंडिडेट मुझे अभी चैनल पर देख रहे हैं, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, वो मेरी वीडियो को ऑलरेडी देखते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि मैं जो बताता हूँ वो 100% प्रूफ के साथ बताता हूँ और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ, ठीक है। इसका प्रूफ आप हमारे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, वहां पे कमेंट्स आपको भरपूर मिलेंगे। वो सारे कमेंट्स ये बताते हैं कि ये चैनल कितना बड़ा है, ठीक है। सो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो भी अगर नेगेटिविटी यहाँ फैला रहे हैं उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पर इस चैनल में क्या होता है, वो लोग खुद ही जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, कमेंट को डिलीट कर दिया वहां से। सो जाहिर सी बात है वो कमेंट डिलीट ही करेंगे, क्योंकि क्या है ना, वहां पे आप खुद देख सकते हैं कि क्या होता है चैनल पर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इस चीज पे नहीं बात करने वाला कि नेगेटिविटी है या नहीं है, कुछ भी नहीं बात करने वाला, हम यहाँ पे पॉजिटिविटी की बात केवल करते हैं, ठीक है। मेरा सेम केस यही है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ चले हैं, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए अच्छी तरीके से, और पॉजिटिव रहिए हमेशा, नेगेटिव ना रहिए, ठीक है। वीडियो देखिए अच्छी तरीके से, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो मैं ये बता देना चाहता हूँ आप लोग को, आप अपने काम पर फोकस कीजिए यार, नेगेटिविटी पर फोकस करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। काम पर फोकस कीजिए, आप अच्छी तरीके से मेरी कोई इन्फॉर्मेशन आती है उसको देखिए अच्छी तरीके से, अगर आपको लगता है वीडियो देखने लायक है सो देखिए अच्छी तरीके से, अगर नहीं लगता है सो प्लीज उसको स्किप करके देख लीजिए, वो आप पर निर्भर करता है। अगर आपका घाटा होना होगा सो उसी से ही होगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं अगर आप मेरे वीडियो को स्किप करके देखेंगे सो आपका हो सकता है लॉस हो सकता है, इसीलिए बता रहा हूं कि आप पूरा देखा करिए अच्छे तरीके से, ठीक है। मैं अदर यूट्यूबर्स का नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी बात कहता हूं कि मैं जो वीडियो बताता हूं वो 100% ट्रू होता है, और इसका मैं ऑलरेडी टेलर आपको दे चुका हूं, ठीक है। फर्स्ट डे से जब से मैंने अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन बनाया था तब से लेकर अभी तक जब मैंने सेलेक्ट करा चुका हूं लोगों को, वहां लोग जो सिलेक्टेड है वो जान पा रहे होंगे, जो सुमित सर ने बोला है, जो सुमित भैया ने बोला है, जो भी सुमित सर मेंटोर ने बोला है, वो सब कुछ सही था। मैंने एग्जैक्ट डेट आपको बताई थी कि आपको अवॉर्ड लेटर कब डाउनलोड करना है, मैंने एग्जैक्ट डेट आपको बताई थी कि आपका जो अवॉर्ड लेटर है वो कब आएगा और क्या क्या होगा आपके साथ, वो मैंने एग्जैक्ट डेट के साथ विद प्रूफ के साथ आपको दिखाया है। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। मैं मिलता हूँ आपसे साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। सो गुड बाय।